गुड मॉर्निंग एवरीवन, टू वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका चौधरी व्लॉग्स। ये तो साथ रहेगा क्योंकि गर्मी आ गई है, ये तो साथ रहेगा। तो सुबह तो बहुत देर की हो चुकी है और क्या बनाया मैंने, क्या बनाया है, भिंडी, प्याज और भिंडी, और मैं ये दिखा देती आलू जो आर्यन के बहुत फेवरेट है। के फेवरेट आलू है, उसकी दादी बनाती हैं जो उसको बहुत पसंद है। तो जब हम कुछ ऐसी वैसी सब्जी बनाते हैं, ऐसी वैसी मतलब जो आर्यन नहीं खाता, तो हम उसके लिए ये वाले आलू बना देते हैं और हमारा काम चल जाता है। तो भाई काम तो सारे डन हो चुके हैं, पर आज मैंने अपने जिम में एक काम ले रखा है, वो काम है फेशियल का। करवा चौथ के बाद अब मूड बना है मेरा फेशियल करने का, तो मैं आज फेशियल करने वाली। मेरे पास एक किट रखी हुई थी, सैंपल किट थी, वो दिखाती हूँ। ये है चारकोल स्मॉल किट। अब इसमें क्या क्या है मैं दिखाती हूँ। स्टेप वन, क्लींजिंग मिल्क, ओके। एंड वेर इज स्टेप टू, अरे भाई टू कहाँ है, ये फेशियल स्क्रब, ठीक है ऐसे रख देते हैं इसको। एंड स्टेप थ्री है फेशियल जेल विद बैम्बू चारकोल, थ्री के बाद फोर, फिर आता है फेशियल मसाज क्रीम चारकोल, फिर आता है फाइव क्रीमी मास्क विद चारकोल, फिर आता है सिक्स, ओहो ये लिखा है फेस सीरम विद विटामिन ए एंड ई। तो भाई आज इससे हम शुरुआत करेंगे। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना फेशियल। सबसे पहले मैंने की क्लींजिंग, क्लींजिंग मिल्क था उससे मैंने पूरे फेस पे लगाया और देन उसको एक वेट टॉवल से क्लीन कर दिया अच्छे से। और टॉवल भी मैंने पूरा ठंडे पानी में, आइस वाले ठंडे पानी में डिप किया हुआ था। और उसके बाद आता था स्टेप फेशियल स्क्रब विद चारकोल। ये स्क्रब था और बहुत ही अच्छा स्क्रब था, मतलब स्किन पे ज़्यादा रैश नहीं था, मतलब अच्छा था, बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि इस स्क्रब करने के बाद तो एकदम से ग्लो आ ही जाता है, डेड स्किन निकल जाती है। उसको भी फिर मैंने क्लीन किया अच्छे से, क्योंकि स्क्रब का तो एक भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए। देन फिर आता है फेशियल जेल विद बैम्बू चारकोल। जेल था ये, पूरा जेल बेस्ड था और काफ़ी अच्छा था। और इसमें मैंने फिर अपना अच्छे से मसाज किया, कम से कम 5-7 मिनट तो मैंने इसकी मसाज की थी। देन फिर आता था क्रीम मसाज विद क्रीम, इसकी क्रीम थी, इसकी क्रीम से मैंने भाई काफ़ी देर फेशियल फेस पे मसाज की। तो एक्चुअली मैं टायर्ड भी हो गई थी, लेकिन नहीं मुझे करनी थी क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने किया नहीं था। और बहुत ही अच्छा था प्रोडक्ट, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। देन वो मतलब रिलैक्स भी फील कर रही थी मैं और इंजॉय भी कर रही थी, टायर्ड भी थी, सारे काम एक साथ थे। लेकिन फेशियल से क्या होता है, आप रिलैक्स फील करते हो। फिर इसके बाद मैंने बिल्कुल आइस कोल्ड ठंडे पानी में अपना टॉवल डिप किया, क्योंकि स्किन से वो हीट निकलने लग गई थी, तब मैंने उसको गीला किया। उसके बाद आ जाता है क्रीमी मास्क, इतना अच्छा मास्क था ना ये, और मैंने इसमें 2-4 बूंदे आइस कोल्ड वाटर की डाली थी। इसने जो सुकून दिया था ना मुझे, बाय गॉड मैं बता नहीं सकती। मेरा मन कर रहा था मैं इसे लगाती रहूँ, एकदम मेरे हॉट हो गया था फेस मेरा, तो इसकी वजह से काफ़ी मुझे रिलैक्स मिला। और ये लगाया था, ये लगा लिया मैंने मास्क, चारकोल मास्क, डन है मेरा फेशियल। और अब देखते हैं इसके बाद कैसा ग्लो होता है, चम 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 ग्लो। चलिए मिलते हैं आपको ये क्लीन करने के बाद। यस, तो अब मैं लगाऊंगी फेस सीरम विद विटामिन ए एंड ई। भाई बहुत देर लग गई,
थक जाता है बंदा। ओह आई थिंक लीक कर रहा है, कोई नहीं, एक मिनट, मेरे लिए तो है। मैंने सोचा नहा ही लूँ प्रॉपर, पहनो, इससे आवाज़ नहीं आएगी। आ आ हा, आ भाई तू ओपन हो। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, लेट्स सी। भाई मैंने ना कोई फिल्टर यूज़ किया है ना कुछ, मुझे खुद को अपना फेस अच्छा लग रहा है, बाकी तो आप लोग बताएंगे। अब ये स्किन में पूरा अब्सॉर्ब हो जाएगा। अब मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे लग गई बहुत भूख, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया हुआ खरबूजे के अलावा। तो मिलते हैं हम आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाई खाना जरूरी है, अदरवाइज आज का व्लॉग पूरा फेशियल के नाम, और शाम को बैठ के मैंने चिल किया, एंजॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय।